आर पार। अरे भैया काहे की आर पार? आज लोकतंत्र की हत्या जिधर से पाओ कर दो, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की हत्या जिधर से पाओ कर दो। भगवाधारी गुंडों को कान खोल कर सुन ले, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा दें। आप दलाली करना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ पत्रकार पढ़ा लिखा होना चाहिए, एडिटर पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो सेक्रेटरी है वो पढ़ा लिखा हो जाइए, तो नेता भी पढ़ा लिखा ही चाहिए। सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, आज जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांग ले हो गया वीर, आज जो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकर फकीर। जिस प्रोग्राम में बोला गया वो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम आयोजन होता है। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई, लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते हैं। एगो गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के आर पार। अरे भैया काहे की आर पार है? कॉमेडी दिखा। हाँ वो मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो, लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? प्रधानमंत्री से परिवारवाद पर डिबेट करा के देख लो, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर डिबेट करा के देख लो, महंगाई पर कराओ, बेरोजगारी पर कराओ, तो क्या कहेंगे? अरे आप जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई जनता बोलती है महंगाई पे? किसी ने कुछ करा है अभी तक? आपको तो दिक्कत कहाँ है, आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा जी बेचते है ना, आज जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अगर इनकम टैक्स, अरे भाई अगर इनकम टैक्स सीबीआई ईडी ने पत्रकारों के ऊपर छापा मारा तो देश लूटने वाले गिरोह का जो सरगना है क्या, आप लोग जो मिलकर लूटते हो, उसका तो दोनों चीज खुला हुआ है, अब क्या खुलेगा? मुंह खुलवा लीजिए ना, उसका बेटा भी नेता बनने के कगार पर है, तो परिवारवाद वहाँ नहीं दिखता। अब वो जिस जमीन के लिए गया गद्दारी किया, दादा भी गद्दारी किया, पोता भी गद्दारी कर रहा है, गद्दारी पूरे खून में भरा है, तो आप उस गद्दार की बात कह रहे हैं? जैसे सुनो ना भैया, रूखा सूखा घास अगर गाय को भैंस को खिलाओगे तो फिर भी वो दूध देगा, लेकिन वही सांप अगर वही अमृत जैसा दूध पिला दोगे फिर भी वो जहर उगलेगा, तो गद्दार है कौन है? यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब गद्दार नहीं है, आप बताओ ना। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए, देश को संविधान को बदल देना चाहिए, आर्थिक सलाहकार है मोदी के, सब कुछ पुराना हो गया। ये भगवाधारी गुंडों को कान खोल कर सुन ले, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है, और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह तरह नमाफी भी, डरपोक बुजदिल कायर की संतान है, आज संविधान बदल देंगे। वो सावरकर, वीर सावरकर कहते हैं उन्होंने, वीर सावरकर जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, आज जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांग ले हो गया वीर, आज जो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकर फकीर। वाह क्या खाते हो यार, कुछ तो सोच लिया करो। सुनो कॉमन सेंस नहीं आप लोगों के पास, आप लोग ये नहीं सोच रहे, देश रहेगा तभी आप लोग रहेंगे, और संविधान बदलने की बात रह गई, इतनी माँ ने दूध नहीं पिलाया भाजपा आरएसएस के नेताओं को जो भारत के संविधान को बदल देंगे, हम तख्त और ताज बदल देंगे 2024 में, कान पकड़ कर गद्दी से नीचे उतार देंगे, तो संविधान बदलना दूर की बात। ये आधुनिक मानव की शुरुआत थी, आधुनिक युग की, मानव को आधुनिक कैसे किया जाए, उन्हें डिजिटल कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ गणना और उसी वक्त कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है, जिसका विरोध करने वाले यही संघी मानसिकता के लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये वही लोग हैं संघी मानसिकता के लोग, याद रखिएगा कि जिन्होंने राजीव गांधी के बजट का भी विरोध किया था, अब आज वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। एक सफेद झूठ में बता रहा हूँ कि इसका चेहरा और चरित्र इतना घिनौना और घृणित है कि अगर भाजपा कभी खुद को देख ले तो डर आएगी उसको। प्रधानमंत्री का बयान है मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब तक आप हमसे कोई बात करोगे नहीं कैसे जान जाओगे मैं ठीक हूँ या खराब हूँ? आज मैं 2 महीने बाद आपके बीच आया तो आपने मुझे देखा तभी तो मुझे बताओगे ना कि पंडित जी आप एकदम ठीक है। हमेशा गए थे ना, सुन तो लीजिए बेशर्मो, कल गए थे और कब दंगा हुआ है बेशर्मो? अमित शाह के जाने के बाद बेटियां घुमाई गई हैं कितने दिन बाद, तो बेशर्मी तो बिल्कुल करना मत।
तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट तो आप अमित शाह से क्यों नहीं करते हो? अरे पंडित जी सुनिए, आप ये बताइए मंत्रालय के पास क्या रिपोर्ट नहीं? गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट ये भी आई है कि एनसीआरबी में हर एक घंटे रेप हो रहा है यूपी में। क्या हुआ उसका? आप लोग देश की स्थिति में, आप जैसे हम लोगों को क्रोध आ रहा है, हम लोग चीख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को खून पानी नहीं है क्या? पानी हो गया खून? अरे पंडित जी सुनिए, जिस आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों को जंतर मंतर पे बैन हो गया है। सोशल मीडिया के पत्रकार जंतर मंतर पे नहीं जाएंगे अब, क्योंकि आप पोल खोल देते हैं। प्रधानमंत्री को नकाब बेनकाब कह देते हैं। अच्छा हुआ आपने अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं कह दिया, तो आपका माइक भी छीन ले। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि अनपढ़ों को वोट मत देना, पढ़े को वोट दो, उसकी भी नौकरी छीन ली जाती है। और मैं आज शर्म के साथ कहता हूँ, दिलीप मंडल जी उसके साथ हैं, वो खुद एक प्रोफेसर हैं, पर वो उसका साथ दे रहे हैं जिन्होंने नौकरी छीनी है। अरे अपमान किया उसने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ये बताइए, अगर आप एक पत्रकार हैं तो आप भी तो यही कहोगे ना कि अच्छी लोकतंत्र के लिए चौथा स्तंभ मजबूत होना चाहिए। तो क्या गलती कर दी आपकी? नौकरी छीन लेगा कोई? अभी कोई नौकरी छीन लेगा? सत्ता चलाने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? शंभू भाई से पूछो, बताएंगे जिसके जो चैनल में। मैं आपसे पूछता हूँ ना, हाँ। क्यों आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने किस चीज के लिए महत्व ज्यादा दिया था? शिक्षा के लिए दिया था ना? सत्ता चलाने। मैंने क्या क्या बोला? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस पे महत्व ज्यादा जोर दिया था? शिक्षा के लिए, कि शिक्षित अगर कोई आदि व्यक्ति होगा, हाँ। सत्ता में बैठेगा, संविधान समझेगा, संविधान की बातों को जनता पर लागू करेगा और ईमानदारी से करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ऐसे आज इस देश का प्रधानमंत्री अडानी उसको बेवकूफ, अडानी से जवारा हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सवाल ये किया भाई ने कि कोई नेता बनने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए? ऐसा कोई लिखा संविधान में नहीं लिखा। ऐसा राजीव गांधी क्वालिफिकेशन बताइए। राजीव गांधी पायलट थे भाई। कितना पढ़े लिखे? राजीव गांधी पायलट थे। पायलट कोर्स बताओ कितना होता है? पायलट थे वो जब सत्ता में आए। जवाहरलाल नेहरू कितना पढ़े थे? बल्लो उन्हीं के हाथ की बुक लिखी है भैया। कितना पढ़े थे? अब इतना हमें डिग्री बताओ क्या तुमको भैया? ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे वो, पढ़े थे कहीं यहीं से आपके? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमें कितना पढ़े थे आपको डिग्री क्वालिफिकेशन क्या? हमें नहीं पता है, लेकिन हम क्लियर कर दे रहे हैं कि वो इतना पढ़े लिखे थे कि उन्होंने कई बुक लिखा है। राबड़ी देवी का नाम सुना है? हाँ। कौन? नहीं पढ़ी लिखी है? नहीं पढ़ी लिखी है, पता है। मुख्यमंत्री बनी थी? नहीं बनी थी। अच्छा ये बताओ तुम बेवकूफ टाइप के आदमी हो क्या? इस आधुनिक काल में तुम पुराने चीजों को मिलाओ, 90 वाली राजनीति लेके आ रहे हो क्या? 90 की राजनीति है क्या? तो बंद कर दो बेकरी स्कूल कॉलेज, फिर IAS को PCS को नौकरी वालों को परीक्षा क्यों देनी पड़ती? नेता बनने के लिए कुछ नहीं तो जानकार है, तुम्हें PM बना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप दलाली करना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ पत्रकार पढ़ा लिखा होना चाहिए, एडिटर पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो सेक्रेटरी है वो पढ़ा लिखा हो जाइए, तो नेता भी पढ़ा लिखा ही चाहिए। क्या मोदी जी पढ़े नहीं है क्या? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। अगर तुमको डिग्री साबित करनी है तो तुम्हारा माइक छीन लेंगे वो, अगर डिग्री साबित नहीं कर पाए। डिग्री नहीं है उनके पास। मैं कहा उसकी डिग्री तो तुम लोग पत्रकारिता कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में बाल कर दिए। आज लोकतंत्र की हत्या जीदार से पाव कर दो, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की हत्या जैसे चाव कर दो। और खुद बाबा साहब की स्मृतियों की हत्या भी उत्तर प्रदेश में यही लोग कर रहे हैं, मूर्तियां तोड़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है आप बताइए? चलती ट्रेन है, मोदी होगी जिंदाबाद वाले गोली मार देंगे, मोदी होगी जिंदाबाद वाले गोली मार देंगे, ये क्या चल रहा भैया? रामराज बेशर्मो, रामराज क्या कर? रामराज हम गोली मार दें? आप बताइए इस देश में लोकतंत्र है, हम मान लीजिए हमारा इसमें से किसी एक पत्रकार से अनबन हो जाती है तो क्या मुझे गोली मार देंगे? क्या उसके लिए विचार नहीं मिलता? तो क्या अभी केंद्र सरकार से जनता त्रस्त है क्या? आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में हर घंटे रेप हो रहा है, मध्य प्रदेश भी उसमें अव्वल नंबर पे है, गुजरात अव्वल नंबर पे, क्या लग रहा है आपको? राजस्थान भी नंबर वन पर है। राजस्थान नंबर वन पे रेप में नहीं आया है? किस मामले में? हर घंटे में किस मामले? राजस्थान नंबर पे राजस्थान में भी रेप बहुत ज्यादा हो, रेप हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। फिर वही बात, रेप हो रहा कार्रवाई हो रही है। यहाँ तो अपराधियों दंगाइयों हौसले बुलंद है। बुलंद क्यों है? सत्ता का शह है। सत्ता का शह किसी को नहीं है, कांग्रेस तक सत्ता का शह दिया ही नहीं है। सत्ता की शह की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कितने बयानात होते हैं, कितने दंगे हो गए? कांग्रेस दंगा कराने नहीं गई है इसमें आज तक। कांग्रेस का ही दिन है जो आज जो संघीय अनपढ़ जा ही रहे, पढ़े नहीं उनके कॉलेज में जाकर, अरे उन बाप दादा उन्हीं कॉलेज में जाके पढ़े हैं। अच्छा एक सवाल सुनो, राहुल गांधी गए लद्दाख, मोटरसाइकिल चलाई वहाँ बाइक, लेकिन रविशंकर प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ नेता वो कह रहे देश का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी जो भी करेंगे इनका अपमान नहीं होगा, पर मोदी जी झूठ बोलेंगे लाल किले से खड़े होकर तो अपमान नहीं होगा। कलावती की बात की तो झूठ, मणिपुर की बात की तो झूठ,
बेटियों की बात की, दो जो अरे डाइवर्सिटी ये सिटी वो सी, स्मार्ट सिटी कहाँ गई भैया? सो स्मार्ट सिटी लाल किले के पैरन से आपने घोषणा की थी, कहाँ गई? मोदी जी की हाई लेवल की बात जो है ना, आपके समझ की बस की बात नहीं है। तुम्हारे समझ में कौन सा आ गई है? आजकल टहल तो रहे हो, बंद तो कर दिया गया, समझा नहीं पाया जनता को, तो तुमको जनता मंदिर बंद ग्रहण कर दिया गया। शर्मा रही है बेशर्मो, बेशर्मो शर्मा रही है। कुछ दिन तुमको तुम्हारे घर से नहीं निकलने दिया जाएगा अगर तुम बोल के देखोगे इस तरह। तो आज आज जो है एक चीज जान लो, आज जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है, वकीलों पे प्रहार है, टीचरों पे प्रहार है, जनता पे प्रहार है, इससे यह बात साबित खुल के होती आती है, खुल के बाद ये साबित हो रही है कि भाजपा पूरी तरह से डर चुकी है। डरे हुए तो आप हैं, वो तो घर में घर से बाहर, अरे दिख तो रहा है ना कि जज में भी, अब लोकायुक्त में भी, चुनाव आयुक्त में भी जीत जशीष नहीं होगा। कौन डर रहा है? ताली तो आपको बजाना पड़वाएंगे, हम हारने के बाद ताली बीजेपी को और बजाना पड़ेगा। बेशर्मो ताली तुम बजाओगे? मोदी जी दोनों तुम जो है मोदी करते रहो, हम मोदी का सर्वनाश करेंगे बस। पूरा देश कर रहा है मोदी, कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ मीडिया वाले पैसा लेके मीडिया मोदी कर रहे हैं। क्या मतलब? पैकेज जाके, और इसीलिए आप लोगों की मीटिंग भी, अभी 400 यूट्यूबरों की मीटिंग हुई है बीजेपी नेता के साथ। हाँ बताओ मत, बीके न्यूज भी है क्या उसमें शामिल हो जाएगा? नहीं, इसलिए थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को पत्रकारिता करने दी जा रही है, आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप लोगों को भाईचारे की बात रखी दी जा रही है, आप इंसाफ से बात नहीं कर पाओगे। सुधीर चौधरी ने सवाल तो पूछा टमाटर वाली, क्या बोली? क्या मैं पूछ लूँ तो आप जेल गए थे? मैं पूछ लूँ, ये मंत्री का जवाब होता है? और क्या? ये मंत्री का जवाब होता है? तो ये सब तरह नहीं है, आप ईमानदारी से आइए और ईमानदारी से बात करिए।